नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। योगी आदित्यनाथ सरकार पहले चरण में 5 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज और आगरा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवास विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसका मॉडल तैयार कराया जा रहा है। इसका मॉडल आगामी 20 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार हो रहा है। मौजूदा परिस्थितियों में और जरूरतों को ध्यान में रखकर इन शहरों का चयन किया गया है। आपको बता दें, एक साथ 1000 लोग बैठ सकेंगे। जी हाँ, सरकार चाहती है कि प्रदेश में विश्व स्तरीय होने वाले सेमिनार या इस तरह के दूसरे आयोजनों के लिए निजी संस्थाओं का सहारा ना लेना पड़े और ना ही टेंट सिटी बनवाने की जरूरत पड़े। एक ही स्थान पर ऐसी सुविधाएं विकसित की जाए जिससे बड़े और भव्य कार्यक्रम एक ही स्थान पर हो सके। आवास विभाग इसी को ध्यान में रखकर इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराने जा रही है। मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी। इसमें 300 गाड़ियों की खड़े करने की व्यवस्था होगी। अगला है 5 सितारा सुविधाएं होगी। इनमें 5 सितारा होटल जैसी सभी सुविधाएं होंगी। इनमें रहने के साथ ही 500 से 1000 लोगों की बैठने की सुविधाएं हो। इसके निर्माण ऐसा किया जाए कि जरूरत पर इसकी क्षमता को घटाया और बढ़ाया जा सके। इसके लिए अलग अलग हॉल के टुकड़ों में बांटा जाएगा और जरूरत पर पार्टीशन को हटा दिया जाएगा और बेहतरीन कमरे भी होंगे। आपको बता दें, इस कन्वेंशन सेंटर में सभी सुविधाओं वाले कमरे भी बनाए जाएंगे जिसमें रहने के साथ ही खाने की सुविधाएं भी दी जाएंगी। आवास विभाग के अधिकारी के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर का ऐसा मॉडल तैयार कराया जा रहा है जो सभी सुविधाओं वाला होगा। इसमें कार्यक्रम के साथ रहने और खाने की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।